हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? और आज है 14 नवंबर और दोज पूजा की जाती है आज के दिन। तो हमने कर दी है अपनी दुकान की पूजा और गाड़ी की भी कर दी है। और आज आने वाले हैं हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो बहुत ही नेता नगरी वाले लोग आ रहे हैं। तो हम भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि सब बड़ी फील्ड में आ रहे हैं हमारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम में। JMC टूर्नामेंट क्रिकेट स्टेडियम का नाम है। तो भैया चलते हैं, हम भी जाएंगे जरूर उनसे मिलने। वो आएंगे लगभग 11 बजे का बता रहे हैं, तो 12 बजे के बाद ही है, क्योंकि नेता वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता, कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं। और अभी हम दुकान आई पे हैं, थोड़ी देर खोले रहेंगे दुकान। तो भैया यहाँ पे आने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, देख सकते हो फील्ड है ये हमारी क्रिकेट स्टेडियम चंगला का। हेलीपैड बना है, हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। हो जाए बाबा की यानी अरे सब तो नहीं भैया हो जाए बाबा जिंदाबाद। यहाँ यहाँ लगवा दी नेताओं वाली तो बाबा बाबा। हाँ 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 एक योगी बाबा। स्टेडियम पूरा पब्लिक से भरा हुआ कचाकच। हमने भी पहन ली है BJP पार्टी जिंदाबाद। हमें साफी नहीं मिली, हम साफी लेने जा रहे हैं। साफी ये आप सही लग रहे हैं, आप पूरी फीलिंग आ रही है नेताओं वाली। अब हम भी नेता लग रहे हैं भाइयों बहनों। मैं इस वर्ष एक दूसरी योजना लाऊंगा, इसमें आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या हो गया क्या हो गया? भैया यहाँ पर
पब्लिक को पागल बना के रखा है भाई। पहले कह रहे थे 10 बजे यहाँ चंदा आ जाएंगे, बुला रहे हैं लोहड़ी। ये है राजनीति, पब्लिक है पागल। नहीं जाएंगे हम कहीं, अब जाकर अपनी दुकान खोलेंगे। नहीं आवेगा? हाँ हाँ, लोहड़ी जा, लोहड़ी बुलाओ है। और भैया भग चुके हैं यहाँ से सभी लोग। यहाँ पे देखो क्या हो गया है, क्या हो गया, क्या हो गया। हमारे पत्रकार साहब पत्रकारिता कहते हुए बीजेपी के धजिया उड़ाते हुए। लेकिन अभी उनके राजनीतिक नेताओं से जानकारी मिल रही है कि कार्यक्रम उनका लेट होने की वजह से चंदला का रोड शो कैंसिल हो रहा है। आइए इस संबंध में उनके कार्यकर्ताओं से, दूरदराज से आए हुए उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर बताएं जरा आप। अरे सर, ऐसी कोई सूचना आई है तो हम लोग सब डॉक्टर पहुंचे। भैया कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सूचना आई है तो हम सारे लोग लोकेश नगर पहुँच कर उनके स्वागत में खड़े हो जाएंगे। आप ये कहाँ से आए हो? उनका कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है जानकारी मिल गई आप? आप वापस घर जाएंगे? लौड़ी की भी सभा कैंसिल हो रही है, क्या करो? जय श्री राम, जिंदाबाद। इसलिए बुलडोजर बाबा को यहाँ जरूर आना चाहिए, कम से कम झलक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आज चलना विधानसभा में, उनका कार्यक्रम है, इस संबंध में क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय लेवल नेता है, इनके टिकट के द्वारा ये आ सकते हैं और उनका भी काम है, वो आए, बहुत अच्छा स्वागत है, जनता उनका भी स्वागत करती है, लेकिन उनका काम है। योगी जी से बगैर मिले सारी जनता वापस जाएगी तो कुछ तो फर्क पड़ेगा? वापस नहीं जाएगी श्रीमान, फर्क तो पड़ेगा, यहाँ आना चलेगा। न्यूज वालों ने रिपोर्टिंग चालू कर दी है जो कि बीजेपी शासन की धज्जियां उड़ा रही है। शासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे तुम लोग प्रोग्राम बना रहे हो तो कुछ पहले से बना के रखना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, सत्ता पे है, ऐसा थोड़ी है। आपके पास बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए सिस्टम का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो शासन प्रशासन का मतलब क्या है जब आप उनकी सिक्योरिटी नहीं चला सकते हो? किसी को बुलाओ, पब्लिक इतनी आई और एन मौके में 1 घंटा पहले बोला कि लोहड़ी में कार्यक्रम है, कोई पहुँच पाए नहीं पाएगा वहाँ तक। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले से प्रोग्राम बना के रखेंगे, जो भी कार्यक्रम करिए ऐसे में पार्टी की बदनामी होगी। हम जाते हैं अब दुकान खोलेंगे, हमने अपना दुकान का नुकसान करके देख लिया। ये पार्टी जो है तो नेताओं का, हमने देखो पहले भी बोल रखा था कि कोई ठिकाना नहीं है, राजनीति वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं। चलो फिर चलते हैं दुकान। यहाँ योगी आदित्यनाथ नहीं आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्यों नहीं अच्छा लगा कि पहले से बोल रखा था कि आ रहे हैं? बढ़िया, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े थे, लाइन लगा कर देखो दीवार पर चढ़कर देख रहे थे हेलीकॉप्टर आएगा हमारे चंगला में, लेकिन नहीं आया। चलो भैया चलते हैं भैया, बाय बाय।